सही असर नौकू करो, तू गलत कर रही है। अच्छा और आप ने जो किया वो ठीक था? अरे वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे सीधा चमन साहब से। मौसी और कोई रास्ता नहीं है, ये सारा रायता उसका फैलाया हुआ है, उस गब्बर का, तो वही ठीक करेगा। और मैं बात करती। अरे वहाँ कहाँ जा रही, पुलिस स्टेशन इकड़े आए, काले काका ने बोला है वो घर पर है। भाई सही सही थाम, तुझे चवन साहब से बात करनी है तो बिंदास कर, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे मुंह उठा के किसी अफसर के घर चले जाना माला नहीं पटत। हाँ पुलिस स्टेशन में तो आपके कमल दादा होंगे ना, जो मुझे उस गब्बर से बात, तो क्या मुझे देखते ही बोलेंगे ऐसा ही इकड़े क्या करते घर जा। बात करती सही। लो आ गया गब्बर। ये तो जगताप की गाड़ी है। ये गुंडा यहाँ क्या कर रहा है? कैसा है? नमस्कार विट्ठल दामोदर माने। एसीपी विराट चव्हाण। अरे जानता मैं आपको चव्हाण साहब, इसीलिए आया ना मैं। किधर है? ए देना ते चाहिए। गढ़चिरौली में आपका मनःपूर्वक स्वागत है। सही हमें वापस चलना चाहिए, चलिए यहाँ से। अरे 2 मिनट रुको मौसी, आप बड़ी तारीफ करते थे ना इस गब्बर की, सच्चा है, बहादुर है, ईमानदार है, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखो देखो क्या बात है, हा? देख रहे हैं ना, जचता है कि ना एसीपी साहब नए फोन के साथ। हाँ एकदम सूट कर रहा है। क्या मस्त लग रहा है कि नहीं? एक मिनट। रुक क्यों गया भीमा, पानी खाला? अरे इनके घर पे तो पेड़ पर पैसा उगता है, क्या पता यहाँ पर मोबाइल फोन भी उग जाए। घाला घाला। ये अपने ठीकने गया साहब। जगताप चल 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 बस चला रे, चला 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 चल 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 चल। चव्हाण साहब ये इंसल्ट याद रहेगा, भूलना भी नहीं चाहिए। पहली बार गलती की है ना, इसलिए माफ कर रहा हूं। अगली बार अगर मुझे रिश्वत देने की सोची भी ना, बहुत भारी पड़ेगा। कल्ला भारी पड़ेगा। अरे येड्या बस गाड़ी चल चल। चला रे चला। धन्यवाद। देवा तेरा गब्बर क्या मस्त ऑफिसर है रे। मेरा? अब तूने उसे गब्बर नाम दिया है तो तेरा ही हुआ ना, है कि नहीं? ऐसे कुछ भी बोल, कमल दादा 100% बरोबर बोलत होते, सच्चा है, बहादुर है और ईमानदार भी। सही रुक, कहाँ जा रही है? मुझे बात करनी है। हे छोड़ो सही, मौशी। सही मौशी मैं बात करूंगी। अगर लड़की, अरे सही रुक रुक,
अंदर किधर जा रही है? जवान साहब से बात करनी है। अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? अपॉइंटमेंट? हाँ अपॉइंटमेंट जरूरी है। जवान साहब एसीपी है, एसीपी विदाउट अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। मिलना पड़ेगा, अर्जेंट बात है। ठीक है सही। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे? मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। बोलो। अकेले में जो बात करनी है यहीं करो। क्या जरूरत थी आपको आवा से ये बोलने की कि वो अपने वीआरएस पोस्टपोन करा ले? आप कोई छोटे बच्चे हैं जो उनकी गोद में बैठकर गढ़चिरौली घूमेंगे? आपको पता भी है आवा और मेरा गढ़चिरौली छोड़कर नागपुर जाना कितना इम्पोर्टेंट है। कितनी खुश थी मैं, चौहान साहब आएंगे, चौहान साहब आएंगे, आवा जल्दी वीआरएस ले लेंगे। लेकिन चौहान साहब ने तो सारा काम खराब कर दिया। महाराष्ट्र बोर्ड टॉप किया है ना तुमने? कितने परसेंट मार्क्स के साथ? खैर छोड़ो, अगर मैनर्स कोई सब्जेक्ट होता ना उसमें जीरो मिलता तुम्हें। मैंने तुझे प्रॉब्लम कहा है, उधर फंक्शन में भी ऐसे एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी जैसे। हाँ ऐसी ही हूँ मैं। आप प्लीज चुपचाप आवा को रिटायरमेंट लेने दीजिए। कमल सर जानते हैं ऐसे ऑफिशियल मैटर में तुम दखल अंदाजी कर रही हो। सर मैंने इनको कहा था बिना अपॉइंटमेंट आप किसी से नहीं मिलते। अपॉइंटमेंट? वो विट्ठल और जगताप अपॉइंटमेंट लेके आए होंगे ना। Listen. अपने आप को समझते क्या हुआ? अगर इतने ही सच्चे और ईमानदार हो तो उस विट्ठल और जगताप को अंदर क्यों नहीं किया आपको घूस देने के इल्जाम में? Enough! सही? इससे पहले कि मैं कमल सर से इस सब के बारे में बात करूं या तुम्हारे अगेंस्ट कोई ठोस एक्शन लूं, यू मे लीव। सही, चल यहाँ से। सही चल, एक्शन लेना है ना, एक्शन लेना है तो उस गुंडे मवाली जगताप के खिलाफ लीजिए जिसने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है, हर दूसरे दिन छेड़ता है, परेशान करता है, आवा को जान से मारने की धमकी देता है। एसीपी चौहान साहब प्लीज मेरे आवा को रिटायरमेंट लेने दीजिए ताकि हम कल ही नागपुर जा पाए। आप इन्हें लेकर जाइए। सही, चलिए यहाँ से। आपको आवा को रिटायरमेंट देना होगा। सही, चल यहाँ से, तमाशा मत कर, चल। अगर आज आपने आवा को रिटायरमेंट नहीं दिया ना तो मैं कल फिर आऊंगी। गढ़चिरौली की सड़कें और यहाँ की इंटरनेट सर्विस हमेशा खराब ही रहती है। हाँ ना यार, अभी देख इंटरनेट सर्विस अच्छी होती तो पीएमटी का एग्जाम का रिजल्ट देखने हमें वो सूचना केंद्र नहीं जाना पड़ता ना। चल अच्छा है ना, उसी बहाने थोड़ी आउटिंग तो हो गई। प्राची मेरा शाउटिंग का दिल है और तुझे आउटिंग की पड़ी है। क्या सही, कैसी है? क्या स्कूल गई थी तू? क्या लगला रिजल्ट? अभी तू ये सोच रही होगी कि मेरे को कैसे पता है ना? अरे तू होने वाली बाइको है मेरी, नवरा ही मैं तुझा है। बाइको का ख्याल नवरा नहीं रखेगा तो क्या पड़ोसी रखेगा? देखना इधर, देखना तिकड़ा इधर खड़ा है ना मैं। और क्या ये डॉक्टर बनके क्या करने का तेरे को? कितना कमाएगी तू? 50,000, 1,00,000, 2,00,000? मैं आप भी तेरे को 10,00,000 देते, दसा कर। सुबह का थप्पड़ खाकर बच्चा कुछ दिमाग भी खराब हो गया है क्या? अच्छा तो ये जो नया अकड़ है चवन की वजह से। तेरे को एक बात बोलता है, मैं तेरे को और तेरे बाप को ना मेरे से भगवान भी नहीं बचा सकता। चवन क्या चीज है, मजा ही मजा आएगा ना तुझे, बहुत मजा आएगा जब चवन साहब तेरा और तेरे बाप का वही हाल करेंगे जो तेरे उस एक्सपेंसिव फोन का किया, तब बोलना मजा आएगा। डॉक्टर और पढ़ लिखा तू है, कौन ऐसी बोलते, जबान लड़ाती मेरे से तेरे को? तो तेरा ना आज मैं फाइनली करता, अभी तेरे को पता चलेगा जगताप माने क्या चीज है। चल।
आबा मुझे आएगा आबा तेरा पर अभी नहीं आएगा। कब आएगा? शादी के बाद आएगा आशीर्वाद देने। मैं अभी शादी करेगा तेरे साथ, फटाक से स्वागत एकदम मस्त मजा आएगी। ये अभी बहुत हो गया नाटक प्यार का, अभी ना रोक ठोक मामला, क्या रोक ठोक। चल भाऊ, पुलिस की गाड़ी का सायरन, लगता है विराज चौहान आ रहा है। भाऊ भाऊ चला, अगर उसने देख लिया ना मामला बिगड़ जाएगा। सात दिन दिया था तेरे को, पांच दिन हो गए, दो दिन बाकी है, दो दिन बाद में आएगा तेरे को किडनैप करके मेरी बाइक को उठाएगा। गाड़ी काट, दो दिन मजा आएगी। सही, रुको रुको रुको, सही सही क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तू तो प्राची के साथ गई थी, फिर अकेली कैसे? आपने मेरे आबा का वीआरएस क्यों रोका? नहीं, आप यहां आए क्यों? सही, ना ये यहाँ आते और ना ये सब होता, मैं और मेरे आबा अभी नागपुर में होते। सही, अभी तेरा बहुत हो गया, चुप। चुप तो ये है और कुछ बोलेंगे भी क्यों? इनको क्या, कोई मेरे साथ बदतमीजी करे तो करे, कोई मेरे आबा को जान से मारने की धमकी दे तो दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आबा, इन्हें तो सिर्फ इंस्पेक्टर कमल जोशी के साथ गढ़चिरौली घूमना है। सही, बहुत बात है ना, मुझे मेरे आबा का वीआरएस लेटर चाहिए, अभी क्या अभी साइन करिए। सही, साहब से ऐसे बात करते? सॉरी सर, बच्ची है। आई अंडरस्टैंड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।